हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर टॉप 10 में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 10 फलों के बारे में जिसमें सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है और गर्मियों में डिहाइड्रेशन के लिए ये फ्रूट सबसे ज़्यादा ही बेस्ट हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आप सभी को पता है कि गर्मी तो जान लिए जा रही है, कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं। लू लपट, डायरिया, पेट दर्द, उल्टी, डिहाइड्रेशन, यह समस्या आम हो गई है। ऐसे में लोग इससे बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन कर रहे हैं ताकि खुद को वो हाइड्रेट रख सके। लेकिन कई बार सादा पानी पीना बहुत उबाऊ हो जाता है, ऐसे में लोग वाटर सब्स्टिट्यूट देखते हैं, खासकर ऐसी सब्जी और फलों की तलाश करते हैं जिसमें पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो आज हम आपको बताएंगे 10 ऐसे फल के बारे में जिसमें सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1, तरबूज। गर्मी के दिनों में मिलने वाले तरबूज में 92% तक पानी होता है, इसलिए गर्मी के दिनों में इसका सेवन जरूर करना चाहिए। नंबर 2, खीरा। खीरे में 96% तक पानी होता है जो डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए एक सुपर फूड है। इसका सेवन आप गर्मियों में सैलेड जूस के रूप में कर सकते हैं। नंबर 3, टमाटर। टमाटर हर प्रकार की सब्जी और सलाद में टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह टमाटर स्वाद के साथ सेहत में भी लाजवाब होता है। इसमें 94% तक पानी होता है, इसलिए गर्मी के दिनों में इसे आप कच्चा खाते हैं। नंबर 4, सेब। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि दिन में एक सेब आपकी बीमारी को दूर रखता है। इसमें कई सारे पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, सेब में 86% तक पानी भी होता है जो आपको हाइड्रेट रखता है। नंबर 5, अनानास। अनानास में 87% तक पानी होता है जो आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए काफ़ी है। इसका सेवन आप जूस या ऐसे ही कर सकते हैं। नंबर 6, आम। गर्मी के दिनों में बाजारों में आम की भरमार होती है। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है, लेकिन शायद आपको यह बात नहीं पता होगी कि आम में 83% तक पानी पाया जाता है जो आपके शरीर को पानी की कमी से बचाता है। नंबर 7, संतरा। संतरे में 87% तक पानी होता है। गर्मियों में ये शरीर में हाइड्रेशन बनाने में मदद करता है और साथ ही एनर्जी देने का भी काम करता है। खास तौर से वर्कआउट करने वाले को संतरा जरूर खाना चाहिए। नंबर 8, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी, मैग्नीज, फोलेट, पोटेशियम, विटामिन बी पाया जाता है। इसमें 91% तक पानी होता है। कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों में ये काफी फायदेमंद माना जाता है। नंबर 9, पपीता। पपीते में विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें 88% तक पानी होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने में फल सबसे ज्यादा असरदार होता है। कई तरह की विटामिन से भरा पपीता डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर 10, खरबूजा। खरबूजा में 90% तक पानी पाया जाता है। इस कम कैलोरी वाले फल का उपयोग इसके मीठे स्वाद और स्वास्थ्य लाभों के लिए कई स्वादिष्ट मिठाइयां बनाने के लिए भी किया जाता है। पानी में भिगोया हुआ खरबूजा गर्मियों के लिए एक अद्भुत स्वास्थ्य पेय पदार्थ है। तो ये रहे 10 ऐसे फ्रूट्स जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।